हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मंजू मेहता ब्लॉग में। तो गाइस, मैं आपका सबसे पहले मेरा प्यार भरा पहला गौर छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। छोटू का क्या कहूँ, मेरा मैं तो खुद ही छोटी हूँ। तो गाइस, मैं आज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी हूँ। यह है मेरा डेस्टिनेशन और मेरा नाम है सोनी और मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। फ़िलहाल तो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रखे हैं और हम आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि मंजू मेहता अभी कुछ काम में बिज़ी हो रहे हैं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्ट मैंने किया है। आपकी मतलब पूरा दिन का रूटीन बताएंगे और आज का मौसम कुछ इस प्रकार हो रहा है। सो गाइज, यहाँ पे हो रखे हैं अंगूर और ये है कुछ इस प्रकार के हो रखे हैं छोटे छोटे, इसमें कलियाँ भी आ रखी हैं छोटी छोटी। इस प्रकार हैं ये अंगूर और फिलहाल तो ये इसकी बेल हमारे पास बहुत लंबी हो रखी है। ये पहुँच चुकी है हमारी छत में, तो आगे को जानकारी देती रहूँगी। सो गाइज, ये हमारे साथ जुड़ रही है हमारे ब्लॉग में कोमल और ये मेरे से तो ऐसे छोटी है, रिश्ते में मेरी मौसी लगती है। अब बोल। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है कोमल बग्जवाल और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, इसलिए आज मैं मंजू मेहता के ब्लॉग में जुड़ी हूँ। गाइज, हम लेके चलते हैं आपको मंजू मेहता के पास। वो क्या कर रही हैं अभी और कहाँ हैं, तो दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं उनकी तरह उनके पास। अच्छा मौसी, यहाँ पे धो रहे हैं कपड़े। मौसी ने धोने इतने सारे कपड़े यहाँ पे। और मौसी कस लगना आप हजार धुन धुमन के। बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गई हूँ अपने नैनीहाल और छोटी मौसी और नानी गए हैं मेरे घास काटने के लिए। और तो गाइस, हम जा रहे हैं नैनीहाल का प्राथमिक स्कूल। यहाँ कितने से कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने तक? यहाँ फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं और हम जा रहे हैं अभी रोड में। ऊपर भी एक स्कूल है, आपको हम दिखाएंगे। गाइस, ये है भूमिया देव का मंदिर, यही स्कूल के पास ही में है ये भी। तो गाइज, ये हमारे साथ के वो आगे चले गए, हम जा रहे इस रास्ते से, शॉर्ट पड़ता है। और ये है हमारे गांव की रोड पूरी, जो यहाँ तक कट रखी है और अभी कच्ची बनी हुई है, फिलहाल तो कच्ची है। और ये है हमारे साथ ही, हम जा रहे इस रास्ते से, आपको ले चलते हैं। तो गाइज चलिए, वो सामने खेत है और वहाँ आजकल सोलर प्लांट लग रहे और वहाँ। गाइज, हम नीचे से आगे ऊपर, यहाँ ये है हमारा गांव झाड़डूंगरा और उधर साइड सामने क्या बोलते हैं, जैती, वहाँ सामने जैती और यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। तो गाइस, हमने जाना है अभी वो ऊपर जाना है रोड में, अभी भी बहुत दूर है जितना हम आ चुके हैं। यहाँ रास्ते में हो रहा है पूरा पानी, आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, बहुत थक भी गए, अब जा रहे हैं हम ऊपर, जाने कब पहुँचेंगे। ये है मेरे साथ खिला, खिला हेलो कर दे। तो गाइस, हम फाइनली रोड में पहुँच चुके हैं, देखते हैं इनका सामान आ गया कि नहीं, अभी शायद नहीं आ रखा सामान इनका। गाइस, अभी सामान नहीं आ रखा है और हम बैठे अभी किसी के ढाबे में, मतलब खुला है। और सामान अगर आ जाए जल्दी से जल्दी घर चले जाएं, इतना ही है, थक भी चुके हैं, सांस भी फूल चुकी है, अब और नहीं बोला जाता, लेकिन हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। गाइस, यहाँ गोदाम से सामान निकाल दिया है, जिनकी दीदी की शादी है ये है वो। पहले सामान ले जाने वाले पहुंच चुके हैं और दो तो नीचे चले गए और फिलहाल हम भी जा रहे हैं।
तो गाइस यहाँ पे खिला सामान लेके आ चुकी है बहुत सारा। हमारी घर की वापसी होगी है, हम आगे आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, रास्ता बहुत ख़राब हो रहा है, सामान भी। गाइस ये है हमारे नैनिहाल के खेत वगैरह, सीढ़ीदार खेत, और वो है पनार जो कि सूख चुकी है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा आपको। सो गाइस हम उनके घर में पहुंचने वाले हैं, हम अभी आधे रास्ते में हैं, ये खिला जा रही है आगे से, और थोड़ा बहुत आपको मैं गांव का व्यू दिखा देती हूँ ऐसा करके, और मौसम भी ठीक ही हो रहा है फिलहाल तो। के और ये है हरु देवता का गेट, और गाइस ये है गाय की छोटी सी बच्ची, और इससे भी छोटी वो है। सो गाइस हम जिस घर का सामान लेके आ रहे थे उस घर में पहुंच चुके हैं, और ये है घर, और दुल्हन को भी दिखाते हैं, दुल्हन की मम्मी, और ये ला रही हमारे लिए टीका। सो गाइस ये है दुल्हन जो कि अपना फेस दिखाने के लिए शर्मा रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर में, ये है हमारा पहला वाला घर, अब चलते हैं ऊपर ऊपर वाले घर में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर में, और बहुत थक भी चुके हैं, हमने सुबह नाश्ता नहीं किया है, अब नाश्ता की तैयारी हो रही है खाने की। नानी लोग भी आ गए हैं। तो गाइस ये है मंजू मेहता जो कि प्याज टमाटर काट रही है। सो गाइस ये है मेरी छोटी छोटी मौसी जो कि आ चुकी है घास से। ये बात है वो गनेरी की तरह आप सुन सकते हैं। ये क्या कुकुर आया मत बात कहां ना चलता है, आप आपको पता नहीं लगा गए तेरे रात के आगे मैंने ले लिया।